हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो अब चालू करते हैं हमारा सम नंबर 10। लेकिन ये सम नंबर 10 चालू करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, तुम लोग से कुछ चीज़ें पूछता हूँ। सर मुझे मालूम पड़ गया, अगर मैं वीडियो सीक्वेंस में देख रहा हूँ तो आप क्या बोलने वाले ये मुझे मालूम है, लेकिन जो बच्चा डायरेक्टली आया ना इस वीडियो को देखने के लिए उनसे बात करना चाहता हूँ। देख बच्चा, ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है या तो रो या तो कॉलम। बोले यहाँ तक क्लियर हो गया? तो हमने पार्ट वन में क्या कवर किया मालूम है? सम नंबर 1, सम नंबर 2। पार्ट 2 में सम नंबर 3, 4, 5। पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो हमने कवर किया वो रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कवर किया है। पार्ट 3 में 6, 7 2x2 का कवर किया। पार्ट 4 में 8, 9 3x3 का कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किया। इसका मतलब मैंने ए इनवर्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड तो ऑलरेडी कवर कर दिया है। अब यहाँ पर ए इनवर्स यूजिंग रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ए इनवर्स यूजिंग कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ईच एंड एवरी सम को डिटेल में पढ़ा है। बहुत सारे जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है सब कुछ मैं तुम लोग के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ। भाई तुम लोग से एक रुपया नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को सीक्वेंस में देखो और पूरा देखो। तुम लोग के पास जो कंटेंट आएगा, तुम लोग के पास जो नॉलेज आएगा वो अनमैचेबल आएगा। लोग ऑफलाइन क्लासेस में भी ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाते, मैं तुम लोग को लिटरली बता रहा हूँ, समझ में आ रहा? ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाते, सिर्फ टेक्स्ट बुक का करके मतलब नहीं है बच्चा। मिसलिनियस में भी कुछ चीज़ें सम है, जैसे मैं प्रीवियस बैच को भी सिखाया था, मिसलिनियस से आया था 100% 4 मार्क्स के लिए आया था। तो बच्चा सिर्फ टेक्स्ट बुक से करेगा तो तेरा 100 में से 100 कभी नहीं आएगा। सर मुझे तो पास होना है, सिर्फ पास होना है तो टेक्स्ट बुक का कर। अगर मीडियम रेंज में लाना है तो टेक्स्ट बुक से पूरा कर, कुछ सम तू स्किप कर देना, लेकिन एक गुड स्कोर करना है 90+, तो जो मैं बता रहा हूँ ना उतना कर, तेरा आ जाएगा। लॉजिक में जितना सीखा है उतना करना चाहिए। मैट्राइज में मैं टेक्स्ट बुक का सम तो कवर करूँगा, साथ में मैं मिसलिनियस के कुछ सिलेक्टिव सम करूँगा जो मेरा दिल बोलता है कि बच्चे लोग को ये सिखा ताकि ये बोर्ड में आ सकता है और बच्चों का फायदा होगा। जैसे ये वाला महाराष्ट्र के टेक्स्ट बुक में पार्ट 1 में अपना जो चैप्टर नंबर 2 है मैट्राइसेस, उसमें मिसलिनियस एक्सरसाइज है, मिसलिनियस एक्सरसाइज 2A लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8। लेटेड भी अपने को इससे देखना नहीं, अपने को सिर्फ मेन कंसर्न अपना ये है। अब जो बच्चे ने ये वीडियो को नहीं देखा रहेगा तो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज जाके वो वीडियो देख लो, तभी जाके तुम लोग को यहाँ पर मेरा स्टाइल पता चलेगा, हाँ सर ने क्या बोला था। तो ठीक है, अब मैं उसी बच्चों से बात कर रहा हूँ जो ये चारों वीडियो देखा है। बट सर मेरे को लगता है कि मेरे को सिर्फ यही देखना है, तो तू कोशिश कर, समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो देख क्या होगा, समझ में आ रहा? अपन कौन सा वीडियो देख रहे? पार्ट नंबर 5। चलो अब मैं देखो, मोस्टली मैं उन्हीं बच्चों से बात कर रहा हूँ जो चारों लेक्चर मेरे बैठे हैं, ठीक है, ऑफलाइन में। जैसे फिर डायरेक्टली 5वां लेक्चर मजा नहीं आएगा। तो फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, ये दिया है, बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इट मीन्स वॉट? अपने को रो से भी करना है, अपने को कॉलम से भी करना है। देखो ये पहला सम है, दोनों नहीं आएगा, रो या कॉलम दोनों साथ में नहीं आएगा, या तो रो आएगा या तो कॉलम आएगा, मतलब ये 8 मार्क्स का सम हो गया। देखा जाए ये, या तो रो आएगा तो 4 मार्क्स, कॉलम आया तो 4 मार्क्स, समझ गए? अगर दोनों ही आया, अगर मूड खराब रहेगा तो ये दोनों को ही 4 मार्क्स के लिए दे सकता है, ऐसा होगा नहीं देखते। लेकिन सबसे पहले तुम्हारा कंसर्न क्या रहता है, अगर इनवर्स निकालने बोला है तो सबसे पहले हम लोग को डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलो डिटर्मिनेंट के बारे में बात करेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए ऐसा वर्टिकल बार देते, यहाँ पर क्या आएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर 0 साइन थीटा, आगे बोल बच्चा कॉस थीटा, यहाँ पर 0 0 0 1। बच्चा देख यहाँ पर चौकोनी डब्बा मत बना देना, मालूम पड़ा कुछ बच्चे ने ऐसा बना दिया, ये मैट्रिक्स हो जाता है। अगर यहाँ पर भी ऐसा बना दिया तो ये मैट्रिक्स, अपने को डिटर्मिनेंट बनाना है, अपने को डिटर्मिनेंट बनाना है। तो डिटर्मिनेंट ये चीज़ आता है अपने को, डिटर्मिनेंट में डायलॉग क्या था? पकड़ के छोड़ना है, किसको पकड़ना है? पहले रो के एलिमेंट को, हर एक को पकड़ के छोड़ना है। जैसे मैंने पहले कॉस थीटा को पकड़ा, हाँ तो उसको छोड़ दो, पकड़ लिया छोड़ दे, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दे। क्या देखा? कॉस थीटा, देखो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, कॉस थीटा 0 0 1। फिर आगे जाएंगे, पकड़ना है माइनस साइन थीटा को, लेकिन बीच का साइन चेंज करना रहता है, यह याद रखना। माइनस साइन है तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, अभी माइनस है तो प्लस साइन डीटा आएगा। ओके पकड़ लिया उसको छोड़ दे, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दे, साइन डीटा 0। बोलो बच्चा क्या आएगा? साइन डीटा 0 0 1। बोलो ये क्लियर हो गया बच्चा? आगे बोलो, आगे जाएंगे तो प्लस 0, लेकिन इसको सॉल्व क्यों कर रहे हो? अरे इधर लाखों आने दे, 0 से जब मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन स्टिल अपन एक बोर्ड में साइन डीटा, देखो इसको पकड़ा ना, इसका रो और इसका कॉलम कॉस साइन डीटा कॉस डीटा 0 0। इसको सॉल्व करने में इंटरेस्ट मत दिखाओ, क्योंकि ये अंदर भी 0 आने वाला है और बाहर भी 0 है, ये लाखों आने थे, 0 से मल्टीप्लाई करके 0 होगा। तो अपना मेन कंसर्न यही है, कॉस थीटा, अच्छा ये कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा माइनस 0 इंटू 0 0 प्लस साइन थीटा, चल बच्चा वो साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा माइनस 0 इंटू 1 0, अच्छा ये तो 0 हो गया। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा,
प्लस साइन डीटा, ये देखो ये तो जीरो हो गया, साइन डीटा इंटू साइन डीटा साइंस को डीटा, बचपन से टीचर लोगों ने बताया साइंस को डीटा प्लस कॉस को डीटा क्या होता है वन, एक बार वापस साइंस को डीटा प्लस कॉस को डीटा क्या होता है वन, या फिर कॉस को डीटा प्लस साइंस को डीटा भी वन ही होता है, बीच में माइनस आ जाता है ना तो डबल एंगल का फॉर्मूला लगता है जिसको बोलते हैं कॉस टू डीटा, लेट इट बी, अपने को उसका टेंशन लेना जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये आ गया वन तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो हम लोग लिखते हैं सिंस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं है इसका मतलब ए इनवर्स क्या होगा एग्जिस्ट होगा, ये तो सेम ही रहता है, ये तो अपना परंपरा भाई, ये तो करना है, ये हो गया क्या, नहीं सॉल्व थोड़ी ना हुआ, अब क्या करना है, अब तो वही करना है जो तुम लोग को आना चाहिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, चलो पार्ट ए करते, पार्ट ए क्या लिखा है एलिमेंट्री, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, बच्चा तुम लोग का साथ देना है, तुम लोग मुझे साथ दोगे और बात करोगे, सबसे पहले अपने को मालूम है ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है आई, या ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है आई, रो में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, कंसिडर वॉट, कंसिडर बच्चा बता, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू वॉट आई, ये हमने देखा है बहुत बेहतरीन तरीके से बात किया इसके बारे में, अब ए लिखो, ए क्या है, ए क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जीरो, साइन थीटा कॉस थीटा जीरो 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 वन, ए इनवर्स का ए इनवर्स, आई का क्या सीन होगा आइडेंटिटी जीरो, याद रख बीच में सिर्फ वन होता है, बराबर बच्चे याद रख, चलो सबसे पहला अपना पैटर्न क्या रहता है, सबसे पहला अपना पैटर्न रहता है ए रो कर रहे ना, रो कर रहे तो ऐसा देखने का, बराबर ऐसा देखने का, बराबर नहीं ऐसा, हाँ ये दिखता है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल तो रो देखना है, अभी जो बच्चा भूल गया एक बार वापस बता देता हूँ, अपने को ऐसा देखना रहता है, देखो ये रो बोलते हैं, बराबर सबसे पहले तुम्हारा गोल क्या रहता है मालूम, ऐसे ही देखने का वन, इधर मत जा, अरे तू ऐसा जा रहा है वन, देखो क्या डायलॉग किया अपना वन डबल जीरो वन डबल जीरो वन डबल जीरो, तो वन डबल जीरो फिर क्या आएगा, इसको वन बनाओ फिर डबल जीरो फिर इसको वन बनाओ फिर डबल जीरो, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो अपना मेन गोल क्या रहता मालूम, इसको आई में कन्वर्ट करो, इसको आई में कन्वर्ट करो, चलो देखते हैं, पहला तो देखो अभी यहाँ पर समझो ये कॉस शीट है और खुदा ना खास्ता यहाँ पर वन होता तो मैं क्या करता मालूम, ये आर वन है और ये आर टू है, तो मैं लिखता आर वन इंटरचेंज विथ आर टू, इसका मतलब आर टू वाला ऊपर जाता आर वन वाला नीचे आता, मतलब ये क्या बन जाता वन वन जीरो कॉस शीटा जीरो जीरो, देखो ये वन बन गया, समझ पा रहे हो, लेकिन लेकिन अब मुझे ये बताओ यहाँ पर वन है क्या, नहीं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अगर किसी को भी वन बनाना होता है तो यहाँ पर एक मिनट, ठोकरी का नहीं बोला ना, नहीं 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 अभी नहीं, मतो 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 मम्मी ठोकरी का नहीं अभी, दीदी किधर गई मम्मी, जाओ जाओ, सो अब यहाँ पर देखो इधर वन तो है नहीं तो इंटरचेंज करते, तो अब क्या सिखाया था बच्चा याद करो, अगर किसी को भी वन बनाना है, किसी को भी वन बनाना तो उसी नंबर से डिवाइड कर दो, जैसे पाँच को वन बनाना है तो पाँच से डिवाइड कर दो, छः को वन बनाना तो छः से डिवाइड करो, कॉस थीटा को वन बनाना है तो कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, तो बच्चा पहला गोल तेरा यही है, देखो आर वन तेरा गोल सिर्फ यही है कि इसको वन बनाओ, इसको वन कैसे बनाएगा बोलो, देखो दुनिया वाले अपने हिसाब से करेंगे, मैं फ्रेंड्स एकेडमी वाला टीचर, मैंने बच्चे लोग को जो सिखाया मैं उसी हिसाब से जाऊँगा जो हर एक बच्चा कर सकता है, और दूसरे तरीके से जाओगे तो कुछ बच्चे ही कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ हर बच्चा सॉल्व करे, तो यहाँ पर आर वन को बोलो क्या करेंगे, आर वन को डिवाइड कर दोगे कॉस थीटा, मेरे को इसको वन बनाना है लेकिन अकेला मैं इसको छेड़ नहीं सकता, मेरे को छेड़ना पड़ेगा पूरे एंटायर रो को, रो का एलिमेंट ट्रांसफॉर्म करो, अब जब देखो ये चीज़ तो इसके लिए रफर की जरूरत नहीं, मतलब मेरे को आर वन जो भी दिख रहा है ना उसको कॉस थीटा से डिवाइड करो, चलो इधर बोलो कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया तो क्या आएगा वन, आगे बोलो माइनस का माइनस साइन डीटा का साइन डीटा, नीचे कॉस थीटा से डिवाइड किया तो क्या आएगा साइन अपॉन कॉस इज व्हाट टेन, हाँ मैं टेन डीटा लिख सकता हूँ लेकिन फंडा समझो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा ना सिर्फ साइन और कॉस में रखो, तो टेन में रख के अपने आप को कन्फ्यूज मत करो, वी कैन राइट ना साइन डीटा अपन वॉट क्या आ जाएगा बच्चा ये कॉस थीटा, आगे बोलो आगे बोलो आगे कॉस थीटा से डिवाइड करना है, जीरो को कॉस थीटा से डिवाइड किया जीरो अपॉन एनीथिंग इज व्हाट जीरो, बोलो ये क्लियर हो गया, मतलब आर वन चेंज हो चुका है, आर वन चेंज हो गया है, आर टू वाले को बोलेंगे चुपचाप बैठे रहे साइन डीटा कॉस थीटा जीरो, ये क्या कहा जीरो जीरो वन, बोलो ये समझा, इसका मतलब समझो रो वन का एलिमेंट ट्रांसफॉर्म हो गया है, तुम लोग ने वन इसको बनाया ना, अच्छा थोड़ा बैकग्राउंड से नॉइज आएगा तो टॉलरेट करो, तो बच्चा यहाँ पर ए इनवर्स यहाँ पर ये क्लियर हो गया ना,
अब जो चीज़ इधर छेड़ेंगे वही चीज़ उधर भी छेड़ना पड़ता है। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया कि हम लोग सीक्वेंस में वीडियो देख रहे हैं तो ये तो अपने को मालूम है, हम लोग ये ऑपरेशन कहाँ से लाए इसको देख के। लेकिन याद करो बचपन में टीचर लोग बोलते थे लेफ्ट साइड छेड़ा तो राइट साइड भी छेड़ना पड़ेगा, समझ पा रहे? मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भी अलग अलग करोगे। चलो इसको आर वन को डिवाइड बाय कॉस थीटा बोलो, क्या आएगा? वन अपॉन कॉस थीटा, हाँ बच्चा बोल, जीरो अपॉन कॉस थीटा इज व्हाट जीरो, जीरो अपॉन कॉस थीटा इज व्हाट जीरो। कॉलम में देखना नहीं, रो टू को बोलेगा चुपचाप बैठे रख क्योंकि आर वन ही चेंज हुआ है, 001। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया, सॉल्व हो गया? नहीं। अब क्या बोला गया है, ऐसा देखो बच्चा, वन छः स्टेप होता है, वन अब डबल जीरो, डबल जीरो किसको करना है, किसको जीरो करना है? देखो ये आर वन है और ये आर टू है और ये आर थ्री है, बराबर बच्चा? देख वन डबल जीरो, दो जन को जीरो करना रहता है, इसको भी जीरो इसको भी जीरो, ऊपर वाले की दया से आर थ्री वाला जीरो है तो मुझे सिर्फ आर टू को जीरो करना है। क्या याद आ रहा है तुम लोगों को मेरा पैटर्न क्या था? यहाँ पर साइन थीटा, इधर छोड़ो इधर तो जीरो हो गया ना, इधर कुछ भी होने दें कुछ भी होने दें, मुझे इसको जीरो बनाने का, इसको जीरो बनाना है तो इसको हम लोग बोलते हैं हेल्पर। क्या बोलते हैं इसको? हेल्पर। बच्चा जिस बच्चे को ये नहीं पल्ले पढ़ाना इसका मतलब तूने वीडियो सीक्वेंस में नहीं देखा है, तो जाके सीक्वेंस में देखा। इसको जीरो बनाना था लेकिन ये जीरो ऑलरेडी है तो क्यों छेड़ना है? तो बताओ क्या रहता मालूम है? आर टू लिखते जिसको जीरो बनाना, वो लिखते फिर आर टू लिखते फिर आर वन लिखते। बोलो याद रहेगा? अगर पहली बार देख रहा तभी भी कोशिश कर, जिसको जीरो बनाना है वो लिखने का, फिर हमेशा आर वन लिखने का, हमेशा आर वन। आर टू का वैल्यू क्या? साइन डीटा, साइन डीटा इधर नहीं इधर लिखने का, बोलो याद रहेगा? ओके। और आर वन का वैल्यू क्या? वन, वन इधर नहीं क्रॉस में लिखने का। अब बीच में या तो माइनस आएगा या तो प्लस आएगा, देखने का सेम साइन है तो माइनस लिखने का और अपोजिट साइन है तो प्लस लिखने का, सेम साइन, इसका साइन भी प्लस है इसका भी साइन प्लस है तो माइनस आएगा। बोलो ये क्लियर हो गया? तो हम लोग अभी क्या परफॉर्म करने वाले? आर टू, आर टू के बाद क्या लिखेंगे? आर टू माइनस साइन डीटा इंटू वॉट आर वन। डरना नहीं बच्चा, ये कॉमर्स वाले को नहीं है, पहला चीज़ तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके अब इसका रफ वर्क करना है, इसका रफ वर्क कैसे करेंगे बताओ, इसका रफ वर्क कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, मैं रफ कर दूँ क्या फिलहाल के लिए, इसको हटा दूँ। ये देखो डिटरमिनेंट का वैल्यू वन आया है। अगर तुम लोगों को वीडियो चारों सीक्वेंस में देखा तो तुम लोगों को मालूम पड़ेगा इसका अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर ये पाँच आता तो वन बाय फाइव को कॉमन, छः आता तो वन बाय सिक्स को कॉमन, सेवन आता तो वन बाय सेवन को कॉमन, और माइनस सेवन आता तभी भी वन बाय सेवन को कॉमन, और माइनस सिक्स आता तो वन बाय सिक्स को कॉमन। एम आई राइट बच्चा? और ये डिटरमिनेंट का वैल्यू वन आया इसका मतलब वन बाय वन को कॉमन, इट मीन्स वी हैव टू डजंट टेक एनी कॉमन, अपने को एक भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसको हटा देता हूँ फिलहाल। अच्छा बच्चा ये चीज़ समझ गया ना, पार्ट वन में रो एलिमेंट्री कर रहा हूँ तो मैं इसको भी रफ कर देता हूँ, दो क्वेश्चन है ना इसमें, तो अब मैं रफ वर्क कर रहा हूँ। रफ वर्क मतलब सर, अब जिस बच्चे को मालूम है गर्ल्स वाले इस पार्ट को करेंगे रफ वर्क, बॉयज़ वाले इस पार्ट को करेंगे, जिस तरह मैं एक ऑफलाइन में बताता हूँ। अभी यहाँ पर ना गर्ल्स है ना बॉयज़ है, समझ पा रहे हो, ना सामने कोई नहीं बैठा है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं खुद ही रफ वर्क करता हूँ। देखो मैंने ये ऑपरेशन कहाँ से देख के लाया, इधर से। चलो देखने का रफ वर्क क्या आएगा, आर टू चेंज होने वाला, आर टू का वैल्यू बोलो क्या लिखा, आर टू माइनस साइन थीटा आर वन। एक काम करते चलो गर्ल्स वाला पार्ट कर लेते, पहले गर्ल्स वाला पार्ट कर लेते, सब लोग का साथ चाहिए मुझे, सब लोग का साथ चाहिए। बोलो पहले बोलो क्या है, और ये चेंज कौन होने वाला, आर टू। चलो बोलो बताओ क्या आएगा, बोलो आर टू लिखने का, आर टू क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा जीरो, साइन थीटा कॉस थीटा जीरो। ओके माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, साइन थीटा बोलो, साइन थीटा आर वन क्या है, आर वन वन, हाँ बोलो बच्चा, वन माइनस साइन थीटा अपन में कॉस थीटा और क्या आएगा, जीरो, बराबर है बच्चा? यहाँ तक तो मुझे लगता है याद ही होगा सबको, साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पर क्या, जीरो, माइनस साइन थीटा को अंदर फेंकने का तो ये प्लस हो जाएगा, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे का भूलना नहीं कॉस थीटा बैठा है। बोलो ये क्लियर हो गया? और इससे मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो, बीच में प्लस आने के बाद कट टू कट प्लस माइनस करते, कट टू कट प्लस माइनस मतलब साइन थीटा में से साइन थीटा जाएगा तो कितना बचेगा, साइन थीटा देखो ना, साइन थीटा माइनस जीरो। अब ये कॉस थीटा देखो इसको कैसे सॉल्व करने का, कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन व्हाट, कॉस थीटा, बराबर है बच्चा? ये देखो ना कट टू कट बात करना है, इसके साथ इसका सेटिंग करना है तो क्या करोगे ये बताओ, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब वन, पहला क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, समझा ना, पहले इसको मल्टीप्लाई फिर इसको अपॉन व्हाट, कॉस थीटा। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन, और वन अपॉन कॉस, हाँ मुझे मालूम है वन अपॉन कॉस को तू सेक लिख सकता है, मत लिखना बच्चा जो बोल रहा हो करना, तो इसका मतलब इधर क्या है, वन अपॉन कॉस थीटा। अब जीरो प्लस जीरो क्या होता है, जीरो, मतलब ये गर्ल्स वाला पार्ट तो हो गया, लेडीज़ फर्स्ट इसलिए मैंने गर्ल्स का पार्ट क्लियर कर दिया। बॉयज़ वाले ये चीज़ याद रखना, अपने को इधर आना है, इधर आना है। चलो एक काम करते हैं, गर्ल्स वाला पार्ट पहले लिख के हटा देते ना, रफर का जरूरत, आर टू चेंज होने वाला है तो आर वन को बोलेगा चुपचाप बैठे रहें, चुपचाप बैठ, हिलना नहीं, हिलना नहीं मतलब हिलना नहीं, ठीक है। आर टू क्या बन गया, जीरो, वन अपॉन कॉस थीटा,
जीरो वन अपॉन कॉस थीटा जीरो, ओके आगे आगे आर थ्री को बोलेंगे जीरो जीरो वन। अच्छा कुछ बच्चे ने मुझे ना एक बार कमेंट किया कि सर आप डाइजेस्ट का देख के लिखते हो क्या, तो मैं तुम लोग को बता दूँ मैं इस वीडियो को बनाने से पहले एक छोटा सा मेरा नोटबुक है ये देखो ये मेरे एक बच्चे ने गिफ्ट किया था और मैं उसमें अपना ट्रेन में बैठे बैठे जब मैं लेक्चर लेने जाता हूँ तो मैं इसमें लिख देता हूँ कि हाँ चलो ये वाला मैटर मैं डाइजेस्ट का भी चेक करता हूँ लेकिन डाइजेस्ट का जो सोल्यूशन रहता है थोड़ा अलग रहता है। तो सर आपका सोल्यूशन अलग है बच्चा आंसर आने से मतलब है ना मतलब वहाँ पर ऑपरेशन थोड़ा अलग किया रहता है ये वाला और उस वो ऑपरेशन समझने में बहुत मुश्किल हो जाता है जब बच्चे लोग बोलते हैं अरे दुनिया भर का वेबसाइट है चलो कर लेते हैं सॉल्व कर लेते बच्चे ज़्यादातर लोग याद नहीं रहेगा। मैं एक ही चीज़ हर सब में यूज़ कर रहा हूँ एक ही चीज़ हर सब में चांदी चौक टू चाइना में याद आ रहा है वो अक्षय कुमार के जो गुरु जी थे उन्होंने क्या बोला मेरे को तेरे 100 मूव से लेना देना नहीं है मुझे सिर्फ तेरे एक मूव से लेना देना है जो तू डेली प्रैक्टिस करता है तो वो ये मूव है। डाइजेस्ट में अलग अलग सब में अलग अलग तरीका दिया है तो मेरे को उससे लेना देना नहीं है मुझे सिर्फ एक ही मूव से एक ही मूव से लेना देना है जो मैं करा रहा हूँ तुमको और इतना प्रैक्टिस करो कि दुनिया का कोई भी समय यही पैटर्न यूज़ करो आ जाएगा 100 100 100 खत्म करो वन बनाने का या तो इंटरचेंज नहीं रहो तो डिवाइड करो और तुम लोग को ज़िगज़ैग वाला पैटर्न तो मालूम ही पड़ गया रहेगा। चलो ठीक है मेरी बात को अगर समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है नहीं समझ पा रहे हो तो ठीक है कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। चलो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर अच्छी बात है कि आपने ये दिखा दिया देखो यहाँ पर देखो दिखता रहेगा थोड़ा बहुत दिखता रहेगा ये देखो मैं सॉल्व किया भाई मेरी एडिटिंग है यहाँ पर। चलो अभी अभी हो गया क्या हो गया क्या नहीं 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 अब वो साइड का भी कर लेते वो साइड का बॉयज़ वाले सर बॉयज़ को क्यों छोड़ रहे सर गलत कर रहे हो आप लड़के हो तो सिर्फ लड़की का साथ दोगे ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है एक 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 टीचर का भी जेंडर नहीं दिखता है फटाफट मारता है ये याद रखना आर टू चलो आर टू इधर का मत देखो उधर देखो आर टू क्या 010 आर टू क्या देखो 010 010 माइनस का माइनस साइन डीटा का साइन डीटा आर वन वन अपॉन कॉस डीटा 00 चल बच्चा बोल 010 माइनस को अंदर फेंकेंगे तो ये प्लस हो जाएगा हाँ माइनस को अंदर फेंकेंगे तो माइनस साइन देखो मल्टीप्लाई कर रहा है मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर वाला साइन डीटा इंटू वन साइन डीटा अपन और कॉस डीटा हाँ मुझे मालूम है साइन अपन कॉस टैन होता लिखने का नहीं साइन और कॉस के अलावा कुछ मत लिखो आगे बोलो ये माइनस साइन डीटा जीरो से मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो और ये भी क्या हो जाएगा जीरो। अब कट टू कट बात करना है जीरो और माइनस साइन बाय थीटा अरे देखो ना जीरो माइनस साइन डीटा अपॉन कॉस थीटा मैंने क्या सीखा था जब जब जीरो के साथ छेड़खानी करोगे तो जीरो को बंद कर देने का तो माइनस साइन डीटा अपॉन व्हाट कॉस थीटा आगे बोलो वन और जीरो कितना होता है वन जीरो और जीरो कितना होता है जीरो तो ये क्लियर हो गया। तो बच्चा यहाँ पर कौन चेंज हुआ वन अपॉन कॉस थीटा लिखने का जीरो जीरो आर टू चेंज हो गया आर टू क्या बन गया माइनस साइन डीटा अपॉन कॉस थीटा आगे 10 10 आर थ्री को बोलेगा तू भाई चेंज ही नहीं हुआ तेरी औकात ही नहीं है तू अभी तक कुछ नहीं कर रहा है उखाड़ी नहीं पाया जिंदगी में तूने कुछ। चल ठीक है आगे बात कर लेंगे चलो ये भी सही है बच्चा यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना चलो सॉल्व हो गया क्या नहीं सर कहाँ सॉल्व हो गया कहाँ एक मिनट वन ए ऐसा नहीं दिखना वन कर तो मैं ऐसे रहा ऐसा देख के क्या लगता है मैं कॉलम कर रहा हूँ देखो ना 100 बोले याद रहेगा 100 अब क्या करना है इसको वन बनाना है इसको वन बनाना है देखो मैं चौकोंडी मतलब वन अच्छा इसको वन बनाने के लिए क्या किया हाँ वन बनाने के लिए आर टू को डिवाइड करने का पाँच है तो पाँच से डिवाइड ये क्या वन अपॉन कॉस थीटा तो आर टू को वन अपॉन कॉस थीटा से डिवाइड करना जैसे समझो ये पाँच रहता तो पाँच को मतलब आर टू को किससे डिवाइड करता पाँच से तो अभी मेरे को अगर वन अपॉन कॉस थीटा को वन बनाना है तो वन अपॉन कॉस थीटा को वन अपॉन कॉस थीटा से डिवाइड करोगे क्या याद आ रहा है तुम लोगों को अगर नहीं समझ रहा है तो यहाँ पर देखो मैं ये सिंपल अप्रोच बताऊंगा थोड़ा सबर रखो अगर जैसे देखो ना बच्चा ये कॉस थीटा था इसको वन बनाने के लिए इसको कॉस थीटा से डिवाइड करना है तो मैं इसको नहीं आर वन को डिवाइड करता हूँ वैसे वन अपॉन कॉस थीटा को अगर मुझे वन बनाना है तो मैं इसको नहीं आर टू को डिवाइड करूंगा बोलो ये समझा तो आर टू डिवाइड बाय वन अपॉन कॉस थीटा और तुम लोग को याद होगा नीचे का नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा इट मीन्स व्हाट अपने को ये तो दिल में रखना है ये दिल में रखना है दिखाना क्या टीचर लोग को ये दिखाना है कि सर जी मैं आर टू को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या मल्टीप्लाई कर रही हूँ बोले क्लियर हो गया ऐसा लिखने का अप्लाइंग ऐसा इंग्लिश में लिखो टीचर लोगों को लगेगा पढ़े लिखे लोगे अपने को मालूम है अपने को कुछ नहीं आता है लेकिन ठीक है लिखने में क्या ही जाता है ठीक है बोलो इसका मतलब क्या होगा कॉस थीटा को ये समझा कैसे ये लिखा और इतना कॉमन सेंस लगाओ ना वन बनाना तो नीचे देखो ना अगर 5/3 को वही देखो
वन बाय थ्री को वन बनाना तो थ्री से मल्टीप्लाई कर, वैसे वन अपॉन कॉस थीटा को वन बनाना तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर, ये भी तो सही अप्रोच था, लेकिन डिवाइड वाला अप्रोच समझने का, और डिवाइड में नीचे का नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, इट मीन्स आर टू को अपने को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है। चलो बच्चा आर टू को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है, बोलो क्या आएगा, ए आर आर वन बोलने का चुपचाप बैठे रहे, चुपचाप बैठे रहे, हिलना नहीं, जरा भी हिला तो मार खा जाएगा। आर टू को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो, चलो जीरो को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो जीरो आएगा, इसको जब मैं कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ वन अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस कॉस मर गया वन बचेगा, ओके, और इसको जीरो से ये आर थ्री चुपचाप बैठे रहे मार खा जाएगा, हिलना नहीं, ए इनवर्स, बोल बच्चा आगे क्या आएगा, अरे आर वन उधर का चुपचाप बैठे रहे, चलो कॉस थीटा जीरो जीरो माइनस ए कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है ना, चलो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो बच्चा, चलो हाँ जब मैं इसको कॉस थीटा से हर एक को कॉस थीटा से जब मैं माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ या करती हूँ तो कॉस थीटा मर जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर वाले का नाम लिखे माइनस साइन थीटा लिख दे, ए वन इसको रफर कर सक, अरे या रफर इसके लिए करने का जो मल्टीप्लाई डिवाइड उसके लिए रफर, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या कॉस थीटा हो जाएगा, और जीरो को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो, ये तू चुपचाप बैठे रहे, बोलो ये क्लियर हो गया, हाँ या ना, देख हो रहा है या नहीं हो रहा है ध्यान से सुन, वन डबल जीरो वन अब डबल जीरो, देख बच्चा एक बार वापस देख, वन डबल जीरो अब ये दोनों को जीरो बनाने का है, ऐसे देखना ऐसा ये दोनों को जीरो बनाना है, हेल्पर कौन है, हेल्पर कौन है आर टू, मेरे हिसाब से मैं समझा पा रहा हूँ, मेरे हिसाब से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, तो ये आर वन है और ये क्या है आर थ्री है, बरोबर, आर थ्री को तो जीरो ऑलरेडी बना हुआ है ना तो उसको छेड़ने का नहीं, आर टू वन बनाए आर वन को जीरो बनाना, देख बच्चा कैसे सिखाया था तुम लोगों को, इधर कुछ भी होने दे, इधर कुछ भी होने दे, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये क्या है वन, तो देख कैसे सिखाया था, रफोर करना सीख लो ना बच्चा, प्यार मोहब्बत से सीख तो ले, आर वन को जीरो बनाना, देख मैं बताता हूँ अपलाइन, आर वन को जीरो बनाना तो आर वन लिखने का, बोलो याद रहेगा, फिर आर यहाँ पर लिखता हूँ, चलो आर वन को जीरो बनाना तो आर वन लिखने का, और हेल्पर कौन है आर टू, हमें तो डायगोनल वाला ही हेल्पर रहता है, आर वन का वैल्यू क्या माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, लेकिन जब जिगजैग करते हो ना तो हमेशा प्लस सिर्फ एक करो शॉर्टकट के हिसाब से, इसका वैल्यू क्या माइनस साइन थीटा, आर वन का वैल्यू क्या माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फेंकने का क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब जो बच्चे नहीं हुए उनको मालूम बढ़िया रहेगा कि जब जब माइनस रहेगा तभी भी प्लस में ही फेंकना, रफ वर्क तो वैसे ही करना जैसे करते आ रहे हो, आर टू का वैल्यू क्या वन, वन इधर नहीं इधर लिखने का, सेम साइन है क्या, देखो ये माइनस है ये प्लस है, सेम साइन है नहीं तो क्या करोगे प्लस करोगे, बोलो ये क्लियर हो गया, तो हम लोग है ना ये चीज़ें क्लियर हो गया, एक बार वापस देख लो, आर वन को जीरो बनाना है तो आर वन लिखने का, फिर से आर वन हेल्पर कौन है आर टू, आर वन का वैल्यू क्या, आर वन का वैल्यू माइनस साइन थीटा अपन में कॉस थीटा है, इधर नहीं इधर लिखने का, लेकिन माइनस नहीं लिखने का बच्चा, प्लस में फेंकने का, क्रॉस में हमेशा प्लस ही में फेंकना, आर टू का वैल्यू क्या वन, वन इधर नहीं इधर लिखने का, इधर मत ही लिखना वन लिखने से, सेम साइन तो सब्ट्रैक्ट, सेम साइन है क्या नहीं प्लस, बोले क्लियर हो गया, तो अब मैं चाहता हूँ तुम लोग ना इसका रफर करके दो अप्लाइंग, आर वन चेंज होने वाला है, क्या लिखेंगे आर वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इनटू व्हाट आर टू, बोलो ये क्लियर हो गया, रफ कर दो इसको, चल अब यहाँ पर बात करते हैं, इसका रफोर थोड़ा एंटीक पीस है लेकिन अपने से हो जाएगा, सर बस हो गया गर्ल्स 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 बॉयज़ का सॉल्व करो, अरे पागल है क्या, हाँ यार पहले गर्ल्स ही सही है ना, हाँ सर अभी बोलते जेंडर नहीं देखने का, और अभी अरे ठीक है ना यार आजा दोनों में ही करने वाला हूँ, अब पहले ये करूँ ये करूँ एक ही बात होएगा ना, तुम लोग तो सारे लोग हैं नहीं सामने, नहीं तो चमाट मारता बोलता चल कर, हाँ चलो चलो, जो ऑफलाइन वाला बच्चा देखता रहेगा ना वो हंसता रहेगा, बोलता रहेगा यार कितना अच्छी बात है सर रफर कर रहे, नहीं तो हम लोग को बोलते चले तू ही रफर कर, अपना बैठे रहते बोलते चल मैं ये लिखूंगा और रफर ऐसा मैट्रिक्स बना के रख देते हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे हंस दिए रहेंगे, चलो यहाँ पर उन लोग रिविजन के लिए मैंने बोला कि रिफर करने का, चलो यहाँ पर देखो आर वन क्या है, चलो आर वन क्या है वन माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, क्या आर वन ना, हाँ जीरो प्लस का प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये रफ वर्क के दिखाने का नहीं, आर टू इधर मत देखने लग जाना, जीरो वन जीरो, चलो ये तो एज इट इज वन माइनस साइन थीटा, जब तक तो अंदर नहीं फेंकोगे तब तक मतलब नहीं, कॉस थीटा और जीरो, चलो अंदर फेंको ये अंदर फेंको ये अंदर फेंको ये अंदर फेंको, जब अंदर जाएगा तो क्या होगा साइन थीटा इंटू ये तो जीरो होगा, इससे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, चलो ये इधर जाएगा तो क्या होगा, हाँ बोलो ये क्या होगा साइन थीटा अपॉन व्हाट, जीरो हो गया ना बच्चा ये जीरो हो गया, चलो ठीक है इसके बाद क्या करा जाएगा, चलो बताओ छोड़ो यहाँ पर बताओ क्या आ जाएगा, वन प्लस जीरो क्या आएगा वन, और ये देखो ये और ये पार्ट ध्यान से देखो सेम है, एक प्लस में तो एक माइनस में, अरे लेट इट भी देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जीरो हो गया रहेगा, जीरो और जीरो क्या होगा जीरो, बोले क्लियर हो गया, मतलब यहाँ पर क्या हो गया,
ये बोलो हटा दो इसको, रब कर दूँ। ये वाला पार्ट देखो, आर वन चेंज हो गया, 100 हो गया, 100 रब कर रहा हूँ बच्चा, देख आर वन जगह नहीं है ना, जगह नहीं है, जगह नहीं है। आर वन क्या चेंज हो गया, 100। अच्छा आर टू को बोलेगा चुपचाप बैठे रहे, ओके बराबर है, यहाँ पर 001 बराबर ये चीज, ओके। और क्या आएगा, ये ए इनवर्स का, ए इनवर्स आगे बोलो। अच्छा यहाँ पर तो सॉल्व करना है ना बच्चा, सॉल्व करना है ना, चलो देखते सब लोग मिल के सॉल्व करेंगे, हम लोग सब लोग मिल के सॉल्व करेंगे बच्चा। चल 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 यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, रफ वर्क में तुम लोग का साथ चाहिए मुझे। आर वन पहले आर वन यहाँ पर, बॉयज लोग अपना अटेंशन यहाँ पर होना चाहिए, गर्ल्स का बात बोल के फिसलना नहीं बे तुम लोग, इधर आ जा। आर वन क्या है, ये देखो ये आर वन है, आर वन क्या है, 1/cos θ 0 0, ओके। आगे प्लस का प्लस, sin θ/cos θ, ओके। आर टू बोलो, आर टू क्या है, आर टू ये है, हाँ माइनस sin θ cos θ 0, बोलो ये क्लियर हो गया। चलो अब क्या करना है सर, अंदर फेंकने है ना इसको मल्टीप्लाई, हाँ ये देख बच्चा ये समझा सबको क्या लिखा, अरे ये वाला आर वन लिखा, प्लस का प्लस sin θ/cos θ आर टू, बोलो ये समझा। चलो 1/cos θ इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो देख sin θ/cos θ इंटू माइनस sin θ, sin θ देखो sin θ/cos θ इंटू माइनस sin θ, तो ये कुछ काटा कोटी नहीं हो रहा है, वो उल्टा ये क्या हो जाएगा, माइनस sin²θ/cos θ हो गया। और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो देख, सोच ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, cos θ हो गया, तो ये cos कैंसिल, क्या हो जाएगा sin θ। और जब ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो, बोले ये समझा, आप प्लस माइनस करना है, काम खत्म करना है। क्यों सर आपको कैसे मन बड़ा काम खत्म करना है, देखो ये आई बन गया, ये आई बन गया, चलो चलो हो जाएगा। ये देखो ये और ये पार्ट देखो सब लोग, अगर यहाँ पर ये तुम्हारे दिल और दिमाग में भर लेना सब लोग इसको मैं रब कर दूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टेप है भाई। मैं खुद फंस गया था इसमें, क्या बात करो सर, आप फंस गए थे तो हम लोग भी फंस सकते हैं। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, बोलो 1/cos θ बीच में प्लस का प्लस, ये क्या है, अच्छा माइनस हो गया ना, ये प्लस का प्लस माइनस sin²θ/cos θ cos² नहीं है, तो ये इसको हटा दो, ये माइनस हो गया। देख बच्चे एक चीज़ याद रखना, जिंदगी भर दोनों का डिनोमीटर सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नहीं। अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 sin²θ/cos θ। अच्छा सर 1 sin²θ क्या होता है, cos²θ बोल सकते हो, हाँ रुक जाओ, सबर रखना। देख बच्चा अगर तुम लोगों को cos²θ नहीं होता है, क्या तुम लोगों को आइडेंटिटीज याद आ रहा है, क्या सीखा था आइडेंटिटीज, sin²θ प्लस cos²θ क्या होता है, 1, अरे बोलो है ना, तो ये cos²θ को रखो, 1 sin²θ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 sin²θ की जगह पे cos²θ, और नीचे का cos θ एज इट इज, एक cos मर गया, क्या बचेगा cos θ। अरे समझा ये नहीं समझा, एक बार वापस गेम खेल लो, यहाँ तक तो ठीक है, चलो हटाओ, यहाँ तक तो समझ गया, आपने कुछ नहीं किया सिर्फ अंदर फेंका। ये बच्चा ध्यान से देख मेरी जान, ध्यान से देख, लास्ट स्टेप है, ध्यान से देख 1/cos θ प्लस का प्लस हटा दो, इसको देखने का नहीं, मैंने बोला था ना इसको देखने का नहीं, रफ वर्क करते टाइम कट टू कट बात करना, दिख रहा है ना बच्चा, हाँ दोनों का डिनोमीटर सेम है तो cos θ लिखने का, और 1 sin²θ आइडेंटिटीज बचपन से आता अपने को, sin²θ प्लस cos²θ 1 होता है, तो 1 sin²θ को cos² सर आपको कैसा मालूम पड़ा, यही फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि नीचे cos θ है, नीचे एंगल क्या θ है, तो इसको डबल एंगल फॉर्मूले में बदलने की कोशिश मत करना, cos²θ/cos θ, और ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा cos θ, बोले ये क्लियर हो गया, अरे हाँ है ना, तो ये दोनों का झोल करके क्या हो गया cos θ, और 0 और sin θ क्या होगा sin θ, और 0 और 0 क्या होगा 0, दिख रहा है ना बच्चा, हाँ। तो आप मतलब मेरा बोलने का मतलब ये कि अपडेट होके क्या बन गया है, हटाओ कौन अपडेट हो गया, R1 हटा रहा हूँ, R1 अपडेट होके क्या बन गया, R1 अपडेट होके क्या बन गया, जो पहले ये था अब क्या हो गया, R1 ही है ना, हाँ cos θ sin θ और यहाँ पर 0, और ये क्या है माइनस sin θ, R2 वाला एज इट इज लिख रहा cos θ और 0 0 0 1, एक सिर्फ एक बार मैच करने देते हो मेरे को आंसर, cos θ sin θ माइनस sin θ cos θ 0 0 1, ओके डन। अब बस फाइनल, इसको क्या बोलते हैं, I बोलते हैं, और A इनवर्स ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज cos θ sin θ 0 माइनस sin θ, देखो इतना सिर्फ रो एलिमेंट्री से आया तभी भी 4 मार्क्स, दोनों एक साथ नहीं देगा, टेंशन मत लो, दोनों दे दिया तो खत्म हो जाओगे तुम लोग, ये समझ लो, या तो रो या तो कॉलम। अब I into any मैट्रिक्स इज वॉट डैट मैट्रिक्स ओनली, बराबर है A इनवर्स, अब पूछना मत आया कहाँ से, तो ये तुम्हारा आंसर आएगा cos θ sin θ 0 माइनस sin θ cos θ
0001. मैं क्या करनी, यहाँ पर सुनो सब लोग का ध्यान, यहाँ पर अपना रू एलिमेंट्री हुआ है तकरीबन अपने पास कितना मिनट का, आधे घंटे के आसपास वीडियो बन चुका है, लेकिन स्टिल अपनी कोशिश है कि रू एलिमेंट्री अच्छे से आ गया। क्या किया एक बार वापस गो थ्रू कर लो, एक बार वापस गो थ्रू कर लो। हम लोग ने ए डॉट ए इनवर्स लिखा इज इक्वल टू आई, ऐसा देखना है, इसको वन बनाना है तो क्या किया, कॉस थीटा से डिवाइड किया। बोले एक क्लियर हो गया सबको, हाँ है ना, कॉस थीटा से डिवाइड किया। अब दूसरे में ये दोनों को जीरो बनाया, देखो ऐसा देखने का, 100, फिर 100, फिर 100। बोले याद रखा छह स्टेप में काम होता है, कुछ चीज़ें तो ऊपर वाला डायरेक्टली दे देता है। अच्छा कॉलम आएगा तो क्या करोगे, बोलो कॉलम आएगा तो क्या करोगे, ऐसा देखने का, बोलो क्या रहेगा सबसे पहले क्या करोगे, बोलो 100। देख देख ध्यान से देख, यहाँ पर मैं तुम लोग को लिख के बताता हूँ, 1 ऊपर से 100 हेल्पर ये रहेगा, फिर 1 फिर 00 हेल्पर ये रहेगा, फिर 100। लास्ट लेक्चर दो पार्ट अपना यही था। तो एक काम करो पहले इसको कॉपी करो, अब हम लोग कॉलम वाला करते ताकि जो थोड़ा तकलीफ है लेकिन हो जाएगा अपने से, अपन सब दोनों मिलके सॉल्व करेंगे। प्लीज़ इसको कॉपी करो पहले इधर से फिर ये है, कॉपी प्लीज़। सो एवरीवन यहाँ पर सेकेंड वाला पार्ट एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, देखो चेंजेस देखना, तुम लोगों को भी सेम प्रोसेस करना है, लेकिन जब कॉलम आता है ना तो ए इंटू ए इनवर्स नहीं लिखते हम लोग का नोटेशन चेंज हो जाता है, पैटर्न तो सेम ही रहता है, क्या लिखते हैं हम लोग, ए इनवर्स इंटू ए। बोलो याद रखा ये चीज़ याद रखना, ये नोटेशन होता है कि कॉलम करोगे तो ऐसा करना रहता है, और रो रहेगा तो ए इंटू ए इनवर्स, दोनों का आंसर यही आता है, लेकिन नोटेशन तो पता, समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब ए इनवर्स इधर नहीं आएगा, इधर आएगा। बोलो ये समझा, ए इनवर्स। सर कितने कंजूस हो आप, है ना, कितने लेजी हो, कंजूस छोड़ो, कंजूस का तो पता नहीं लेकिन लेजी बहुत हो, लिखे नहीं रफ करके, यहाँ से लिख सकते थे। हाँ ठीक है मेरी मर्जी, टीचर हो ना, तुम लोग भी बन जाओ, तुम लोग भी करो, ठीक है। सर ऐसा देखना नहीं, बच्चा क्या डायलॉग है, 100 ऐसा देखना है, ऐसा तो सबसे पहले इसको जीरो बनाना है, वन बनाना है, कॉलम रो के बीच में कॉलम नहीं आया था ना, तो कॉलम के बीच में रो नहीं लाने का, समझ गया। हाँ देख इंटरचेंज करके नहीं, तो इसका मतलब मेरे को इसको वन बनाना है, तो अकेले कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन आर वन नहीं, अब क्या बोलेंगे, सी वन को कॉस थीटा से डिवाइड। बोलो याद रहेगा सबको, सी वन को कॉस थीटा से डिवाइड, चलो ये सब तो माइंड में हो जाएगा। अरे वहाँ पर क्या था, आर वन को कॉस थीटा से डिवाइड, अच्छा मतलब सेम थोड़ा अप्रोच लग रहा है, ए इनवर्स कॉस थीटा से डिवाइड, चलो बोलो कॉस थीटा से डिवाइड, कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 1। साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया तो क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 10, 10 लिखने का नहीं आपने सिखाया, तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन व्हाट, कॉस थीटा। आगे बोल, आगे बोल, 0 को कॉस थीटा से डिवाइड किया तो 0 ही आएगा, मतलब सी टू बोलने का चुपचाप बैठे रहे, सी टू चुपचाप बैठे रहे, तेरे को हलचल करना नहीं, ओके सी थ्री हलचल करना नहीं, अरे बोलो ये समझा, हाँ या ना बच्चा, ओके इज इक्वल टू व्हाट, चलो सेम अप्रोच, इसको बोलो सी वन को किससे डिवाइड कर रहा है, कॉस थीटा से, चलो कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा, इसका 0 अपॉन 0, 0 अपॉन कॉस थीटा 0, और ये भी 0 आएगा, सी टू बोलने का चुपचाप बैठे रहे। बोलो ये क्लियर हो गया बच्चा, हाँ या ना, देखो समझ पा रहे हो ये चीज़, ओके। अब होने की बात क्या करोगे, सर इसको 0 बनाने का, मार दूंगा घर पे आके मारूंगा, अगर गलती से भी ये बोला तो, कॉलम कर रहे ना, कॉलम कर रहे तो क्या सिखाया तेरे पर, क्या सिखाया, 100, क्या बोलते हैं 100, तो ऐसा देखना है, ऐसा सी वन सी टू सी थ्री, बोलो याद रखा दोनों को जीरो बनाना है, तो यहाँ पर क्या है, माइनस साइन डीटा, और यहाँ पर अब क्या करोगे, ये देखना भी नहीं तेरे को, ये देखना भी नहीं, दिख तो रहा ऐसा रो, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा देखना है, समझ पा रहे हो, तीन कॉलम मिलके एक रो दिखेगा, अरे समझा, ऐसा देखना भी नहीं, क्या करना है बोल, क्या करना है, सर इसको जीरो बनाना है, सर इसको जीरो बनाना है, ये तो ऑलरेडी ऊपर वाली की दया से अपना ऑलरेडी जीरो बना हुआ है, अच्छा हेल्पर को नहीं ये वाला, चलो सर क्या आएगा मालूम, मैं आपको बताता हूँ, देखो सी टू लिखने का, सी टू को जीरो बनाने का है, जीरो बनाने का, वन नहीं बनाने, वन बनाने के लिए डिवाइड, जीरो बनाने के लिए ज़िगज़ैग वाला, तो सी टू लिखोगे, हेल्पर को सी वन, बराबर है ना, सी टू का वैल्यू क्या है, सी टू का वैल्यू क्या है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा भेजोगे क्या, सिर्फ साइन थीटा, बोलो याद रहेगा, सी वन का वैल्यू क्या, वन, वन। अब देखो दोनों का साइन सेम है क्या, ये प्लस है ये माइनस है, सेम साइन नहीं है, सेम साइन नहीं है, तो बीच में क्या आएगा, प्लस। बोलो ये क्लियर हो गया, तो मतलब मुझे अभी यहाँ पर ऑपरेशंस करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या, अपलाइंग, ऐसा थोड़ा लिखते हैं इंग्लिश में, अपलाइंग, क्या अपलाइंग, बोलो बोलो, सी टू, सी टू प्लस साइन थीटा इंटू सी वन, बराबर है बच्चा, चलो सब लोग अगर यहाँ पर, और मुझे हेल्प करने की कोशिश करना, रेफर कर रहे हूँ, रफर, गर्ल्स वाले ये पार्ट, बॉयज वाले वो वाला पार्ट, चलो क्या आएगा, सी टू, इसका रफर थोड़ा गंदा है जिसकी वजह से ये ना टफ लगता है, तुम लोगों को वही करना जो इसे पता है, सी टू बोलो, सी टू क्या है,
ये बच्चे यहाँ पर देख, ये सी वन है, ये सी टू है, ये सी थ्री है। सी टू क्या है? माइनस साइन थीटा। बोलो यहाँ पर क्या है? माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा जीरो, प्लस का प्लस, साइन थीटा का साइन थीटा। सी वन बोलो, सी वन क्या है? सी वन ये वाला, हाँ ये वाला। अब अपडेट होके ये बन गया, इसमें छेड़ना है अपने को। वन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये कहेगा जीरो। चलो यहाँ पर कह रहा है माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा जीरो, प्लस का प्लस, साइन थीटा को अंदर फेंक दे। बोल साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इसको मल्टीप्लाई कर रहा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, बाहर वाला जिससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा अपन व्हाट कॉस थीटा आ गए। ये जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? जीरो। और अब कट टू कट ऐड करना, ऐड करना मतलब सर देखो, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, समझा? और कॉस थीटा, और यहाँ पर देखो कॉस थीटा, इसका देखते हैं कॉस थीटा प्लस। तुम लोगों को रफ वर्क है ना, करने आना चाहिए बच्चा, कुछ भी हो जाए, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब वन। तो पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, समझा ना? इसके साथ अपॉन वर्ड कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा? ये तो वन हो जाता है, आइडेंटिटीज वन अपॉन कॉस थीटा, मतलब ये क्या है? वन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है सर, ये भी आ गया। और जीरो क्या होता है? जीरो ही होता है। बोले क्लियर हो गया बच्चा सबको? प्लीज़ थोड़ा स्पीड में बात करो, थोड़ा स्पीड में बात कर लो। ये हो गया गर्ल्स वाला सेक्शन, बॉयज़ वाले के बारे में भी बात कर ले। सी टू प्लस साइन थीटा सी वन। सर इतना टफ नहीं लग रहा है? जी सर, अब से मैं सोच रहा था, अच्छी बात है तेरी, अगर ये फीलिंग आ गई है तो बहुत सही है। सी टू बोलो, सी टू ये है, यहाँ पर क्या? जीरो वन जीरो, प्लस का प्लस, साइन थीटा का साइन थीटा। सी वन बोलो, सी वन वन अपॉन कॉस थीटा जीरो जीरो। चलो यहाँ पर भाई एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर पाएगा, समझ पा रहे हो? मैट्रिसेस से रिलेटेड जितना मैं करा रहा हूँ। जीरो वन जीरो, चलो साइन थीटा को अंदर फेंक दो। साइन थीटा को अंदर फेंकना मतलब साइन थीटा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हाँ टैन थीटा लिख सकते, लिखेंगे नहीं। और ये जीरो जीरो, चलो बोलो जीरो प्लस, ये क्या आएगा? साइन थीटा अपॉन व्हाट कॉस थीटा। वन और जीरो कितना होता है? वन। जीरो और जीरो क्या होता है? जीरो। प्लस करते हैं जब मैं कट टू कट बात करता हूँ तो बच्चा यहाँ पर ए इनवर्स का ए इनवर्स, सी टू चेंज हो गया, सी वन बोलेगा चुपचाप बैठे रहे, हिलना नहीं, हिलना नहीं, जरा भी हिला तो मार खाएगा, गोली मार दूंगा तेरे को। सी टू वाला क्या बन गया? सी टू वाला यहाँ का क्या बन गया? जीरो वन अपॉन कॉस थीटा, और क्या है? जीरो। और सी थ्री वाला तो एज इट इज जीरो जीरो वन प्लस इज इक्वल टू वॉट? सी टू वाला चेंज होने वाला है तो ये सी वन एज इट इज रहेगा। सी टू वाला जीरो वन जीरो, तो आप क्या बन गया हो? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बोलो क्या आएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, थोड़ा स्पीड में बात कर सकते हैं अपन। वन जीरो वन जीरो, और सी थ्री वाला एज इट इज, समझा? थोड़ा स्पीड में बात करो, उसके लिए माफ कर देना, लेकिन चीज़ें समझना चाहिए। बोलो ये क्लियर हो गया? चलो आगे 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 आगे, चलो हो गया सॉल्व, हो गया? नहीं ना सर, क्या हो बाकी है सर? रुको, डायलॉग क्या था? वन, ऐसा नहीं ना सर? हाँ नहीं, आप गाली दे दोगे कभी पता नहीं। वन डबल जीरो, अब इसको वन बनाना है, इसको वन बनाना है, इसको वन बनाना है, मतलब सी टू को क्या? बोलो 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 बोलो, सी टू को किससे डिवाइड करोगे? हाँ इसको, इसको वन बनाना, तो इसको इसी से डिवाइड करेंगे, मतलब सी टू को डिवाइड करोगे वन अपॉन कॉस थीटा। सर वो आपने दिल बनाया था ना? हाँ, तो ये ऊपर जाएगा, मतलब कॉस थीटा इंटू सी टू। अरे याद आ रहा बच्चा? सी टू को डिवाइड बाय वन अपॉन कॉस थीटा, तो ये आएगा क्या? सी टू को कॉस थीटा से मल्टी। सर ऐसा क्यों लग रहा है? सेम वहाँ पर जहाँ पर आर टू था यहाँ पर सी टू लिखना, देख लेना तुम लोग के नोट्स में, देखना तुम लोग को मालूम पड़ेगा। तो अभी अप्लाइंग अप्लाइंग सी टू को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो। चलो इसके लिए रेफर की जरूरत नहीं, सी वन को बोलने का एज इट इज, ये ए इनवर्स, सी वन को बोलने का वन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या क्या जीरो। सी टू को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो, चलो साथ दो। जब जीरो को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो जीरो, जब मैं इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो वन अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा मर गया वन, और ये जीरो, ये क्या क्या जीरो जीरो वन। ओके इज इक्वल टू व्हाट? सी वन एज इट इज, सी वन एज इट इज क्या है? जीरो जीरो। और सी टू को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो, सी टू को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, अरे समझा कि नहीं? कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो, हर एक को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस कॉस मर गया, साइन बचेगा। स्पीड में मैं जानबूझ के बोल रहा था कि तुम लोग विजुअलाइज करो, हर एक चीज़ अगर करते बैठेंगे तो मतलब नहीं रहेगा, वीडियो का लेंथ पहले ही बड़ा हो गया, समझ पा रहे हो? और सी थ्री को बोलने को चुपचाप बैठे रहो। ये मैं स्पीड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि बच्चे लोग ने किया है, पार्ट फोर्थ तक देखा है। सर हो गया सॉल्व? नहीं रे भाया, नहीं ना मेरी जान, अभी मेरे हिसाब से कुछ बाकी है। वन डबल जीरो, अब अपडेट हो गया, मैट्रिक्स अपडेट हो रहा है। वन डबल जीरो वन, सर डबल जीरो
मतलब सर इसको 100 फिर 120 इसको 0 बनाने का है और ये तो 0 बना हुआ है, हेल्पर ये है। चलो देख क्या आते, चलो कुछ भी रहने दे, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है और ये 1 है, ये तो 0 ही है ना। चलो इसको 0 बनाने का, C1 को 0 बनाना है, हेल्पर C2 और ये C3 का कुछ लेना देना नहीं है। चलो बताओ, अरे ऐसा लग रहा है सेम अप्रोच कर रहे हो। हाँ देखना क्या करेंगे, C1 को 0 बनाना, C1 लिखने का, C2 लिखने का। C1 का वैल्यू क्या, C1 का वैल्यू क्या, साइन थीटा कॉस थीटा, बोलो ये क्लियर हो गया। तो मैंने कहा इधर साइन थीटा कॉस थीटा, बोलो ये क्लियर हो गया। C2 का वैल्यू 1 इधर नहीं, इधर लिखने का, सेम साइन है, यस सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट, बोलो ये क्लियर हो गया। चलो रफ वर्क करके आते अपन फटाफट। पहले गर्ल्स लोग बोलो C1 का वैल्यू, C1 कॉस थीटा। अरे तुम लोग है ना वीडियो पॉज करके खुद से करो सर, वो हम लोग को आदत नहीं है, हम लोग को सिर्फ आपको है ना 3 उंगली से फील करना है। हाँ क्योंकि स्क्रीनशॉट मारते हैं ना हम लोग। C2 010। चल बच्चा आगे बोलो, 1 अब यहाँ पर क्या आएगा, 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। स्मार्ट बच्चे लोग समझ करेंगे आंसर क्या आएगा, प्लस का प्लस। स्मार्ट बच्चे बोला मैंने, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। माइनस को अंदर फेंक दो, 0 बोल, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चल बच्चा इतना आराम से करते बैठेगा तो कैसे चलेगा। 1 और 0 क्या होता है, 0 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 0 0 0 1। तो इसका मतलब ए इनवर्स C1 चेंज हो गया, क्या बन गया, दोनों को बात करेंगे तो क्या आएगा 1, इसका आंसर तो आएगा 0 और ये 0, तो C1 100। C2 को बोलने का चुपचाप बैठे रहे और ये वाला एज इट इज इक्वल टू 1। चलो हटाओ इसको, इसको हटाओ, मुझे मालूम पड़ गया इधर कौन सा आने वाला है। वो वहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर के बाद आप आइडेंटिटीज ऐसा कुछ किए थे। चलो देखते हैं C1, पहले बोलो C1 क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा 0 0, माइनस का माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। C2 बोलो, C2 क्या रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पर 0। चल अच्छा, ए इनवर्स यूजिंग रो एलिमेंट्री कर, ए इनवर्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड कर, ए इनवर्स यूजिंग कॉलम, तीनों से सेम ही आंसर आना चाहिए बच्चा। मालूम पड़ा इधर से आंध्रा आ रहा है, इधर से बांद्रा आ रहा है, ऐसा चलेगा नहीं। चलो बोलो, 1 अपॉन कॉस थीटा यहाँ पर 0 0, इसको अंदर फेंक देते तो ये प्लस होगा, बोलो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन व्हाट, कॉस थीटा। और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो देखो, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस कॉस मर जाएगा, माइनस साइन थीटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0। अब ये कट टू कट बात कर रहा सर, ऐसा लग रहा है ये सेम अप्रोच है। हाँ बोल क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर, अरे कॉस थीटा, अरे अभी तो किया था सर, हाँ अभी किया, इसी वीडियो में किया था, याद कर क्या आएगा सर, कॉस स्क्वायर थीटा होता है और ये कॉस, और कॉस कॉस मर गया, कॉस बचेगा, और ये 0 और माइनस साइन थीटा 0 और 0, इसका मतलब समझ गया तुम लोग क्या आएगा, यहाँ पर कॉस थीटा बचेगा और ये माइनस साइन थीटा और यहाँ पर 0। ये समझो कॉस थीटा कैसे आएगा, आइडेंटिटीज यूज होने वाला ना बच्चा। तो C1 चेंज हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 और ये C2 एज इट इज साइन थीटा कॉस थीटा 0 और ये 0 0 1। सर ये तो बहुत टाइम का आएगा, अरे बच्चा एग्जाम में दोनों नहीं आएगा, एग्जाम में दोनों में से एक ही आएगा। हाँ तू 15 मिनट ले कम से कम, सिखाने में मुझे लग गया ना 45 पौना घंटा लग गया ना, तो तू सॉल्व खुद से करेगा क्योंकि मैं रफ वर्क भी कर रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ ये चीज़। तो हो गया क्या सॉल्व, अच्छा ए इनवर्स इनटू ये क्या होएगा, ये कुछ नहीं आई हो गया, तो यहाँ पर कॉस थीटा साइन फाइनली सर। अच्छा देखो सेम आंसर आया क्या, एक काम करो देखो स्क्रीनशॉट लिया रहेगा तो, अच्छा ये किससे भी मल्टीप्लाई कर रहा है, ए इनवर्स ही आएगा और ये वाला एज इट इज़, समझ गया ना ये बच्चा, आया ना। एक काम कर तो पीछे पहले रो वाला देखता हूँ मैं, रो वाले से भी सेम आया, कॉलम वाले से भी सेम आया, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्वेश्चन नंबर 10 अपन ने कवर कर दिया। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे ना वहाँ पर क्या था मैं बताता हूँ, जरा देखना, वहाँ पर R1 अपॉन कॉस थीटा था, वहाँ पर क्या लिखा था मालूम, R2 साइन थीटा R1, वहाँ पर लिखा था कॉस थीटा R2, वहाँ पर लिखा था R1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा R2। एक भी कर लिया तो अपने को दोनों आ जाएगा, अगर दोनों समझ पा रहे हो ये बच्चा, दोनों आया तो कोई नहीं, ऊपर वाला अपने साथ ही रहेगा, सिर्फ एक अच्छे से करो, समझ पा रहे हो मैं बात कर रहा हूँ। देखो एग्जाम में दोनों में से एक तो आ सकता है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कोई और स्टेट बोर्ड के रहेंगे तभी भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है भाई ये सब चीज़ें। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि तुम वीडियो सीक्वेंस में देखो सबसे पहला। तो हम लोग है ना इस वीडियो में इतना ही करेंगे, और भी है जो मैं मिसलिनियस से उठाना चाहता हूँ, लेकिन बच्चे लोग क्या मालूम भूखे एक्सरसाइज के, अरे मेरे को ना कभी कभी अंदर से बहुत जलन हो जाता है, जो बच्चे सिर्फ एक्सरसाइज 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 में कुछ नहीं रखा मेरी जान, समझ लो ये चीज़।
बोर्ड है, बोर्ड तुम लोग सिक्वेंस में देखो, पूरा पूरा 100 में से 100 आ सकता है, तुम लोग सिर्फ मेरे को फॉलो करो बस। मैं अपनी बोलते ना जी जान लगाना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई एक रुपया नहीं लूँगा। जो कोर्स लॉन्च करते ना कोई कोई टीचर लोग, उन लोग शायद सिखाते रहेंगे ये, क्योंकि कोर्स लॉन्च किया है, पैसा ले रहे तो उन लोग अच्छा देना ही पड़ेगा। अपन तुम लोग पैसा नहीं दे रहे, बस स्टिल में वो लेवल का कोर्स देना चाहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चे इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ अब कमेंट जरूर करना वीडियो कैसा लगा। तो प्लीज़ थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा लेकिन हो जाएगा, प्रैक्टिस उसी बच्चे को लगेगा जो डायरेक्टली देख रहा है, लेकिन जो सीक्वेंस में देख रहा है उसको प्रैक्टिस की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉगिंग आउट।